ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में घुस रहा है। हमने एक तरफ अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सारा जो है वो काम किया था, मेहनत की थी, और दूसरा हमने ब्लैस्फेमी लॉज जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यूरोप पकड़ेगा इसको, यूरोप इसको पिक करेगा और कहेगा कि भाई आप अपने ब्लैस्फेमी लॉज ठीक करें। उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान उस तरह इंडस्ट्रियली डेवलप एंड रिच नहीं है कि आप उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर सकें। पाकिस्तान इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है कि हम तो ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं। जब हम ग्लोबली कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो फिर आपका ये जो आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस एजेंडा है, फॉर अ मोमेंट आप इसको साइड कर दें। आप मगरब के ऊपर उनको तनकीद करें इस्लामोफोबिया के ऊपर, और साथ में ये भी कहें कि हमें इकोनॉमी भी हमारी ठीक करो, हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी दो, और जो तुम कवानीन बनाते हो मुसलमानों के बारे में, खबरदार इस तरह के कवानीन बनाए। और हाँ, जो पाकिस्तानी या जो मुसलमान यूरोप में वहां पे छुरियां चाकू चला देते हैं, वो इसलिए चला देते हैं क्योंकि आप मुसलमानों के, अच्छा तो आप तो बेसिकली वो जो मुसलमान वहां बैठे हो उनको अपीज कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं ठीक है शाबाश करो भाई जाके। जो आपकी टोन एंड टैनर है ये तो ऐसी है। यूरोपी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में जो वोट पड़े हैं पाकिस्तान की मुखालफत में, वो तकरीबन 100, सॉरी तकरीबन 600 सी, जी हाँ जी, 680 से ज्यादा वोट पड़े, 681 वोट्स इस करारदाद में यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत में पड़े हैं, 3 वोट पाकिस्तान की हक में पड़े हैं। और ये जो करारदाद है इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। खसूसन जो लबैक वाला एहतजाज है वो बार बार डिस्कशन में आया, वहां पे कहा गया कि फ्रांस को धमकियां दी गई, और उसके साथ साथ इस करारदाद के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जी हाँ जी, जीएसपी प्लस पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खसूसन टेक्सटाइल की, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था। अब इस करारदाद में ये कहा गया है कि वो सहूलत जो पाकिस्तान को दी गई है वो वापस ले ली जाए। जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कंपेटिटिव हो जाती हैं मार्केट के साथ, क्योंकि अगर वो आपको ड्यूटीज देनी पड़े, आपको अगर वो टैरिफ की मद में चार्जेस देने पड़े, तो आपकी मसनूआत कंपीट नहीं कर सकती उन मुल्कों के साथ जिनके पास जीएसपी प्लस होता है। तो अब ये पाकिस्तान को मुश्किल में डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप में होती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, अगर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर जीएसपी प्लस खत्म होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स आप मुकाबला नहीं कर सकते भारत और बांग्लादेश का, कंपीट नहीं कर सकते प्राइस में। तो समझ लें एक्सपोर्टर तो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा चीज बेचने में, नुकसान में। जीएसपी प्लस खत्म होता है या कोई भी और आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आती हैं, डॉलर कम हो जाएगा मुल्क में, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, रुपए की कदर गिरना शुरू हो जाएगी, और महंगाई में बेशुमार इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और डोमेस्टिक लॉज के ऊपर ये जो कमेंट्री कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ये रिग्रेटेबल है। तो जब पाकिस्तान का सदर फ्रांस के कानून के बारे में कमेंट्री करता है तो उनको अच्छा लगता है क्या? ये मैंने थोड़े दिन पहले अपने वीडियो में कहा था कि आप आज ये बातें कर रहे हैं, कल को उन्होंने आपका ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर आपको पकड़ लिया तो क्या करेंगे? और मैं आपको ये बता दूं, इससे बढ़ के चीजें होने वाली हैं। अगर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस देती भी है तो ये कंडीशनल होगा इस दफा, अगर देती भी है, हो सकता है ये टेम्परेरी विदड्रॉ कर ले, और टेम्परेरी विदड्रॉ करेंगे और वो 7 चेकलिस्ट हमें दे देंगे। चेकलिस्ट देंगे जी, सबसे पहले तो वो कहेंगे जी फ्रीडम ऑफ मीडिया में इंश्योर करें, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से बड़ी आवाज उठी है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी टेक्सटाइल भेजता है उस पर जो उसको टैक्स की छूट मिलती है वो छूट उससे वापस ले ली जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, उसकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, खसूसन जो हालिया दिनों में हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से हुआ, लिहाजा ये सहूलतें पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई और यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि इस मसले पे तो ना सऊदी अरब ने कुछ कहा है, किसी और मुल्क में तो कोई हंगामे नहीं हुए, किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हंगामे नहीं हुए, तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जो पुरतशद्दुद ज़हनियत है ये पाकिस्तानियों की है, आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होती रही। उसके साथ साथ उधर ये भी पूछा गया कि ये जो ब्लास्फमी लॉज है पाकिस्तान के,
जिसके तहत कार्रवाई का मुतालबा वगैरह किया जाता है, पाकिस्तान में कार्रवाई होती भी है, तो क्या इस तरह के लॉज किसी और मुल्क में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है? तो उन्होंने कहा नहीं जी वहां पे तो नहीं है। उन्हें फिर अगेन ये प्रोपोगेंडा किया गया, अगेन वहां पर यह बात की गई कि ये मसला फिर इस्लाम का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। तो हमें बहुत पाकिस्तान को बहुत प्रेशर है, एक तो एक दूसरे को गाली गलौच एक गालम गलौच बंद करें, और मुल्क में एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए होता है। इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत शदीद दबाव है, ये मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान वाले जान के इस तरह का सेंटीमेंट उभारते हैं। और उधर जो एक चीज कही गई इस करारदाद के अंदर, उसका जिक्र भी है, उसकी जो रेजोल्यूशन आई, उसके उस रेजोल्यूशन जो पास की गई उसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक वरिंग चीज है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है उस करारदाद के अंदर कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पे भी शिद्दत पसंदी है, वो लोग भी कानून का एहतराम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके आप ब्लास्फेमी लॉज हैं, अगर कोई शख्स तोहीने मजहब वगैरह करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत का यानी पीटीआई हुकूमत के एक अपने वजीर अली मोहम्मद वजीर साहब जो हैं, उनका जिक्र है इस करारदाद के अंदर कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों की गर्दनें काट देंगे। तो इस करारदाद के जरिए ये शो करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जुनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। अब इसके अलावा इसमें फ्रांस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब आपको पता है कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का, जब से बरतानिया निकला है यूरोपीय यूनियन से, तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन में दो मुल्क हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो इस वक्त एक तरह से जिनको आप कह सकते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन को इकट्ठे करके बैठे हुए और जो यूरोपीय यूनियन को चलाते हैं, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। तो फ्रांस के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि अगर आप फ्रांस के सफीर को निकालेंगे या फ्रांस के हवाले से इस तरह की कोई बात करेंगे तो आपको आगे से वो रिएक्ट करेंगे, आगे से यूरोपीय यूनियन पूरी आपके ऊपर पाबंदी लगाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो इस करारदाद है इसके अंदर यूरोपीय यूनियन ने ट्रेलर दिया है, पाकिस्तान को बताया है कि ये अब हम आपके साथ करेंगे, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपने फ्रांस के हवाले से जो रवैया इख्तियार किया, आपने फ्रांस को जो धमकियां दी, आपके वुजरा इवन के वहां पे ये भी जिक्र हुआ पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हुई, बाद में मेंबर्स वगैरह भी डिस्कशन करते रहे, मेरी भी सफारती जराए वगैरह से बात हुई, सहाफियों से बात हुई, कि वहां पर यह डिस्कशन भी होती रही कि पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ लोग फ्रांस के खिलाफ ट्वीटें करते रहे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो तरीकाकार होता है उसमें सफारती आदाब होते हैं, अगर आपने एहतजाज करना है तो आप एक सफारती तरीके से खत लिखते हैं, हुकूमत का एहतजाज होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेके मुख्तलिफ जो इनके वजीर वगैरह हैं वो ट्विटर पे आके उन्होंने पहले फ्रांस के खिलाफ कंपेन शुरू की और उस कंपेन की वजह बनी कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर नफरत पैदा हुई इस मसले के हवाले से, और फिर ये एहतजाज हुआ और इतनी वहां पे जो भी सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। अब यकीनन इसमें उन्होंने मुबालगा आरई भी की, यकीनन इसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा भी किया, पाकिस्तान को टारगेट भी किया, लेकिन इसका मौका किसने दिया उनको, इसका मौका किसने दिया? यही इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि वही होगा। और अब आगे जो इस हवाले से बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आप ये एक तरह से उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, अब ट्रेलर दिखाने के बाद आगे वो आपके साथ क्या करने जाएंगे, कर सकते हैं। एफएटीएफ का मामला आपको पता है, वो भी अभी एफएटीएफ का मामला आना है। तमाम यूरोपीय ममालिक ने एक ऐसी करारदाद मंजूर की है जो हम देखते होते थे कि ऐसी करारदाद तो कभी उन्होंने चाइना के खिलाफ भी इस तरह मंजूर नहीं की, किसी भी अपने दुश्मन के खिलाफ इस तरह मंजूर नहीं की, जिस तरह अब यूरोपीय पार्लियामेंट लगता है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में जो हंगामे वगैरह हुए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पे फिर फ्रांस ने अपनी एडवाइजरी दी अपने सिटीजन्स को कि आप पाकिस्तान का सफर ना करें, यूरोपीय यूनियन ने भी उस हवाले से गुफ्तगू की और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक के मेंबरान शामिल हैं, और उस पार्लियामेंट में एक तरह से ये यूनैनिमस मुश्तरका मुतफिका करारदाद तकरीबन मंजूर की गई है। सिर्फ तीन लोगों ने
इसकी मुखालफत में वोट दिए हैं, बाकी 681 लोगों ने इसके हक में वोट दिए हैं, पाकिस्तान की मुखालफत की है। इस करारदाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके हवाले से बात की गई है, पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फमी के लॉज हैं, कानून हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू की गई है, उनको मौजू बना के पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। लेकिन असल बात वो है जो हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर हंगामे वगैरह हुए, पाकिस्तान के अंदर पुरतशद्दद एहतजाज हुआ, सड़कों को ब्लॉक किया गया, फ्रांस के खिलाफ बातें की गई, वो सारी चीजें वजह बनी इस करारदाद की। और पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस करारदाद में पाकिस्तान की मुखालफत की। उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों के साथ बुरा सलूक होता है, माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं है, वहां पर पुरतशद्दद कार्रवाइयां की गई हालिया दिनों में। लॉन्ग टाइम जब से इमरान खान साहब पाकिस्तान में वजीर आजम बने, यूरोपियन यूनियन ने और बहुत सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये मजहबी होती जा रही है, ये रिलीजियस टर्न ले रही है। और वो देखें ये जो ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट है, फिर इन प्रोटेस्ट को जिस तरह डील किया गया, और ये कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि जो आपका एजेंडा है टीएलपी का एजेंडा है, मेरा भी वही एजेंडा है, आप इमेजिन कर लें। लेकिन आपका तरीकाकार और है, मेरा तरीकाकार और है। मैं जरा थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूं, तो मैं यूएन में जाके बात करूंगा, आप यहां सड़कें ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पे जाके बात करते हो, मेरे भाई आप जरूर जाके बात करें, लेकिन आप अपने अपनी पावर को कैलकुलेट कर लें, आपकी पावर की कैलकुलेशन कर लें कि आप कितने पावरफुल हैं। देखें किसी भी स्टेट को मेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या वो जो नेशनल पावर है आपकी वो इस काबिल है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंगेज कर लेंगे। आपके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस बहुत जरूरी है, शुक्र है पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है,